तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, क्या चल रहा है? टाइगर 3 चल रहा है जी दोस्तों, भाईजान चल रहा है भाई साहब, बिल्कुल सॉलिड तबाही चल रही है। मतलब ऐसी ग्रेट ग्रैंड ओपनिंग कभी नहीं देखी होगी। देखो, एक तरफ दिवाली का ओकेशन और दूसरी तरफ वर्ल्ड कप, वो भी इंडिया का मैच चल रहा हो, अपनी कंट्री का मैच चल रहा हो, उसके बावजूद भी ऐसी कलेक्शन ला पाना, इतनी ह्यूज कलेक्शन ला पाना, वो भी छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी कलेक्शन ला पाना, यार ये कोई और नहीं कर सकता, कोई मामूली सा स्टार नहीं कर सकता, ये सलमान खान ही कर सकता है और उन्होंने करके भी दिखाया है। और ओपनिंग बहुत सॉलिड रही है सलमान खान की, अभी तक की जितनी भी ग्रेटर ओपनिंग वाली मूवीज थी इन सब को पछाड़ कर सलमान खान की टाइगर 3 नंबर 1 मूवी बन चुकी है ओपनिंग के मामले में। तो अभी बात करते हैं कैसा क्या रुझान रहा है, कल को कितना नेट इंडिया से कमाया है, कितना अदर लैंग्वेज से कमाया है, हिंदी सिंगल लैंग्वेज से कितनी कमाई करी है, ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा और पूरी दुनिया से पूरी कलेक्शन कितनी करी है इस मूवी ने, और सिर्फ ओवरसीज से कितना कलेक्शन लिया है, क्या जवान पठान के रिकॉर्ड को बीट डाउन कर दिया है ओवरसीज से कलेक्शन के मामले में, सभी चीज़ों पर एक एक करके बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। कब? जब एक आध मिनट में आपको काम पसंद आए तब। चलिए शुरू करते हैं भाई साहब, दिस इज अमेजिंग। मतलब एक तरफ दिवाली का ओकेशन जहां लोग फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे, दूसरी तरफ इंडिया का मैच चल रहा हो, वो वर्ल्ड कप का, और तो लोग पहले कंट्री का मैच देखना ही प्रीफर करेंगे, और कल हुआ भी ऐसा ही। उसके बावजूद भी ये मूवी सॉलिड कमाई करने में सफल रही है, लोगों को घर से निकाल कर थिएटर तक लाने में मजबूर कर दिया और जबरदस्त कमाई करी है। डे वन पर सिंगल लैंग्वेज हिंदी से मेजॉरिटी ऑफ कलेक्शन रहा है 43 करोड़ का, और तमिल तेलुगु से डब्ड वर्जन से ये मूवी लेके आई है 1.5 करोड़, और पूरी ऑल लैंग्वेज को मिलाकर नेट इंडियन कलेक्शन कल ओपनिंग कर रहा है इस मूवी का 44.5 करोड़। भाई साहब ह्यूज कलेक्शन, मतलब इतनी उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी, 40 करोड़ भी कर लेगी या नहीं कर लेगी, एक ये शक के दायरे में देखा जा रहा था, लेकिन उसको सारे शकों को तोड़कर ये मूवी खतरनाक तरीके से नेट इंडियन कलेक्शन में 1 कलेक्शन लेके आई है। ग्रॉस इंडियन कलेक्शन कर रहा है 52.5 करोड़ का, ओवरसीज से कल आते दिखा है 41.50 करोड़, मतलब 41.5 करोड़। भाई साहब ह्यूज कलेक्शन, जवान का था डे वन पर ओपनिंग से ओवरसीज से 38 या फिर 39 करोड़ के आसपास, और पठान का था 40 करोड़ के आसपास, तो जवान और पठान के ओवरसीज के कलेक्शन के मामले में बीट डाउन कर दिया मूवी ने अपने डे वन पर। तो टाइगर 3 के नाम ये रिकॉर्ड जाता है इस साल की 1 ग्रॉसर मूवी जिसने ओवरसीज से ह्यूज जाइंट कलेक्शन किया है। टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होता है, 94 करोड़। भाई साहब ह्यूज कलेक्शन, ऑफिशियली मेकर्स की तरफ से यही आया है 94 करोड़, लेकिन कुछ एक बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट 90 करोड़ दिखा रही है, तो 2-4 करोड़ का हेर फेर ऐसे चलता रहता है, लेकिन ऑफिशियली मेकर्स की तरफ से मूवी 94 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। भाई साहब इतनी उम्मीद ही नहीं जताई जा रही थी, एक बार के लिए इन्हें गलत डिसीजन पर देखा जा रहा था कि इन्होंने आखिर कर क्या दिया, क्योंकि इस दिन कोई मूवी रिलीज नहीं करता है, इस दिन लोग घर में बिजी रहते हैं, दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, और ज़बरदस्त तरीके से लोगों ने सेलिब्रेट भी किया और मूवी को भी एंजॉय किया है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि सलमान खान की और भी जो मूवीज थी उनकी क्या ओपनिंग थी। तो भारत मूवी की थी जो अभी तक 1 पर बैठी थी, लेकिन अब भारत मूवी को भी इसने खदेड़ दिया है टाइगर 3 ने डे 1 पर ह्यूज कलेक्शन के मामले में। 42.30 करोड़ था भारत का, और प्रेम रतन धनपायो का था 40.35 करोड़, सुल्तान का था 36.54 करोड़, और टाइगर जिंदा का था 34.10 करोड़। और नाउ टाइगर 3 हैज ह्यूज कलेक्शन 44.50 करोड़ इन नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। तो भाई ये तबाही है, बिल्कुल तबाही है, और आज तो और भी ज़्यादा कलेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि मूवी रिव्यू बहुत पॉजिटिव मिले हैं, जिस वजह से वॉकिंग ऑडियंस, जिस वजह से आज काफ़ी लोग जाने वाले हैं, और आज हॉलीडे है, कल लोग जो नहीं जा पाए थे आज ज़रूर जाएंगे। आज कितना कलेक्शन करती है वो आगे देखा जाएगा, लेकिन आप लोगों का क्या कहना है कि ये मूवी लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कर सकती है? भाई अब इजीली देखने को लग रहा है कि ये मूवी 500 करोड़ फाड़ के जाने वाली है। आप लोगों के हिसाब से कितना कलेक्शन करेगी या नहीं करेगी, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।